कमाल है इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का। ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है एक छतरी जैसा जो पांच तरफ से घेरी हुई है और एक तरफ से खुली हुई है। ऊपर वाली जो है इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड कहलाती है। आगे वाली जो है मैक्सिला का पीछे जो बस्ती है वही है। पीछे वाली जो है वो स्टाइलाइड प्रोसेस से जो मसल्स और जो कुछ भी कैरोटिड और इस इंटरनल जुगला वेन का कैरोटिड शीत रहती है वो बसती है। जो बाहर वाली की तरफ है वो तो मैंडिबुल के भीतर है, मैंडिबुल के अंदर है। जो मैंडिबुल के अंदर है और मैसेटर के अंदर है वो बाहर तरफ कहलाती है। जो पूरी अंदर तरफ है वो लेटरल टेरिकॉइड प्लेट कहलाती है। उससे जो मिलजुल के टेरिकोमैक्सिलरी फिजर होती है वो तो टेरिकोपेरिटोनियल फोसा तक निकलती है। और सबसे अंदर होती है वो स्पिनोपेरिटोनियल फोरामेन जो अंदर से हमारे नाक की सर्जन को काम दिलाती है। और नीचे से जो कुछ भी है वो खुली है, नेक स्पेस से कनेक्शन कहलाती है। जो नीचे से है वो खुली है, एक छेत्री जैसा है, ऊपर आगे पीछे अंदर बाहर पांच तरफ से वो घेरी हुई है और नीचे से खुली है। वही है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का कहानी। देखते रहिए स्मेल बेल वर्बल इंडियन ईएनटी मॉडल का कहानी, एट स्मेल बेल वर्बल एनाटॉमी का कहानी, एनाटॉमी का शायरी, डॉक्टर स्मेल बेल वर्बल इंडियन ईएनटी मॉडल।